हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सुलेखा की रसोई ब्लॉग में। तो आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक नई रेसिपी। आज हम बनाने वाले हैं करेले के छिलके की न्यू रेसिपी। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें फ्रेंड्स, ये रेसिपी आपको बहुत ही पसंद आने वाली है। यहाँ पे हम करेले का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करेंगे, बस उसके छिलके से बनाएंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पर हमने 200 ग्राम करेला ले लिया है, उसे अच्छे से हम छील लेंगे जो उसके ऊपर के छिलके हैं। इसमें हम बीज वगैरह का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करेंगे, बस छिलके का ही इस्तेमाल करेंगे। तो इस तरह से हमें छिलके को अच्छे से कद्दूकस कर लेना है, जो इसके छिलके हैं उन्हें निकाल लेना है, अलग कर लेना है। तो ये रेसिपी फ्रेंड्स आपने अभी तक देखी भी नहीं होगी, बहुत ही अच्छी लगने वाली है आपको। तो बस इस तरह से हमें सभी करेले को अच्छे से कद्दूकस कर लेना है। आप देख सकते हो हमने कर लिया है कद्दूकस। तो यहाँ पे जो करेले हैं ना, उन्हें हम फेंक देंगे, वो हमारे किसी काम के नहीं। अगर आप चाहें तो इसी रेसिपी में डाल सकते हैं, पर यहाँ पे हम इन्हें नहीं डालेंगे क्योंकि हम करेले के छिलके की रेसिपी बना रहे हैं। तो बस छिलके का ही इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे डाल देंगे हम नमक 1 से 1.5 चम्मच, क्योंकि जो इसका कड़वा वाला पानी है उसे हमें निकाल लेना है। तो नमक डाल करके अच्छे से इसे मिक्स करके हम ढक के छोड़ देंगे 10 से 15 मिनट के लिए, ताकि इसके अंदर जितने भी कड़वे वाले पानी हैं वो सारे निकल जाएँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो फ्रेंड्स, 10 मिनट हो चुके हैं, करेले का जो पानी है बहुत अच्छे से निकल गया है, अलग हो गया है करेले से। तो सभी पानी को हम निचोड़ देंगे। बस इस तरह से हम हाथों पे लेंगे करेले को और अच्छे से इनके पानी निचोड़ देंगे। तो आप देख सकते हो जो कड़वे वाले पानी है, कितने सारे पानी निकल रहे हैं। तो थोड़ा सा नमक डालने से फ्रेंड्स ये जो पानी है अच्छे से अलग हो जाते हैं। तो इसी तरह से हमें नमक डाल के रख देना है। तो आप देख सकते हो, आप चाहें तो इसे पानी से धुल भी सकते हो, पर यहाँ पे हमने धुला नहीं है क्योंकि इसके जो विटामिन वगैरह होती हैं वो निकल जाती हैं। तो इसे हमें धुलना नहीं है, बस निचोड़ लेना, इससे भी कड़वे वाले पन ख़त्म हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल को इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फेसबुक पर देख रहे हैं फ्रेंड्स तो पेज को फॉलो करें। तो इसी तरह से हमें सभी पानी को निचोड़ लेना है, पानी अलग कर देना है करेले से। तो यहाँ पे हमने सभी करेले को निचोड़ लिया है, जो छिलके हैं, और ये जो पानी है फ्रेंड्स हमारे किसी काम का नहीं है। तो इसे हमें फेंक देना है क्योंकि इसमें नमक पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो करेले कितने ड्राई हो चुके हैं बहुत अच्छे से। तो हमें इसी तरह से करेले को कर लेना है। यकीन नहीं होगा फ्रेंड्स आपको कि आपने करेले के छिलके की इतनी बढ़िया रेसिपी बनाई है। जिसको भी खिलाएंगे आपकी तारीफ़ करते नहीं थकेंगे, क्योंकि आप उन्हें यकीन ही नहीं होगा कि ये करेले की रेसिपी है। तो चलिए फटाफट चलते हैं गैस की तरफ। हम आ गए हैं गैस की तरफ। गैस को हमने कर दिया ऑन, गैस पे रख दिया हमने एक कढ़ाई। कढ़ाई में डाल देंगे 1 चम्मच तेल। तेल को अच्छे से गर्म होने देंगे। इसमें फिर डाल देंगे हम जीरा, साबुत जीरा, इसे चटकने देंगे अच्छे से। आप चाहें तो कुछ भी ना डालें। तो यहाँ पर फ्रेंड्स जो हमने करेले को अच्छे से निचोड़ करके रखा था उसे डाल देंगे सभी करेले को। तो करेले को अच्छे से हमें कर लेना है फ्राई, जब तक कि ये गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता। तो चलाते हुए इसे गैस को लो टू मीडियम करके हमें भून लेना है अच्छे से, बिल्कुल इसी तरह से। तो 2 से 3 मिनट में ही हमारा जो करेला है फ्रेंड्स बहुत अच्छे से भून जाता है। तो यहाँ पे हम गैस को लो टू मीडियम ही रखेंगे क्योंकि छिलके इनके बहुत ही सॉफ्ट हैं, वो जल जाएंगे। तो आप देख सकते हो 2 से 3 मिनट के बाद हमने यहाँ पे चेक कर लिया है। तो करेले के छिलके जो हमारे हैं फ्रेंड्स बहुत अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। तो इन्हें हम निकाल लेते हैं, अलग कर लेंगे हम कढ़ाई से। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कितने इनके कलर कितने बढ़िया लग रहे हैं, इनका टेक्स्चर चेंज हो गया है। तो चलते हैं वापस से उसी कढ़ाई की तरफ हम। तो कढ़ाई में वापस से हम डाल देंगे 2 बड़ा चम्मच तेल। तेल थोड़ा ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे क्योंकि करेले की सब्ज़ी है। तो यहाँ पे वापस से हम डाल देंगे फ्रेंड्स 1/4 चम्मच जीरा साबुत और 1 पिंच हींग। करेले की सब्ज़ी बना रहे हैं तो हींग ज़रूर डालें, हींग से टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो जीरा हींग जो हमारा अच्छे से चटक चुका है आप देख सकते हो। तो यहाँ पर डाल देंगे हम प्याज, जो कि हमने 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए थे, उन्हें बारीक बारीक चॉप कर लिया था। तो सभी प्याज को डाल के इसमें हम चला देंगे अच्छे से, कढ़ाई में मिक्स कर देंगे। तो प्याज का कलर थोड़ा सा चेंज हो चुका है। तो यहाँ पे डाल देंगे हम जो हमने लहसुन बारीक बारीक चॉप कर रखा है,
लहसुन आप चाहें तो कद्दूकस भी कर सकते हैं, मिक्सी के जार में डाल के इसका पेस्ट भी बना सकते हैं। पर यहाँ पे लहसुन हमने छोटे छोटे टुकड़े में चॉप कर रखा है, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है फ्लेवर। तो जो प्याज और लहसुन है ये हमारे अच्छे से भुन चुके हैं, तो इसमें डाल देंगे हम टमाटर। हमने यहाँ पे एक टमाटर भी बारीक बारीक चॉप कर रखा है, इसका भी पेस्ट बना सकते हैं अगर आपको अच्छा लगता है पेस्ट। वैसे टमाटर अच्छे से गल जाता है सब्ज़ी में, पता भी नहीं पड़ता कि हमने टमाटर डाला है क्योंकि हमने बारीक बारीक चॉप कर रखा है। तो अच्छे से हम कर देंगे मिक्स और 2 मिनट के लिए इसे ढक करके छोड़ देंगे गैस को लो टू मीडियम करके। तो यहाँ पे 2 से 3 मिनट हो चुके हैं फ्रेंड्स, आप देख सकते हो। तो इसमें कुछ मसाले ऐड कर देंगे हम, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/4 चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच गरम मसाला। यहाँ पे भर के हम डाल देंगे 1 चम्मच आमचूर पाउडर, क्योंकि इसमें करेले में खट्टापन अच्छा लगता है। यहाँ पे फ्रेंड्स हमने 1 चुटकी जितना कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाला है और 1/4 चम्मच भुने हुए जीरे का पाउडर। तो इन सभी चीज़ों को अच्छे से कर देंगे मिक्स। इसमें डालेंगे फ्रेंड्स हम अभी एक सीक्रेट मसाला, जो कि हमने अगले वाले वीडियो में डाला था जब हमने इससे पहले करेले की रेसिपी डाली थी, तो उसमें हमने वो मसाला घर पर ही बनाया था। तो यहाँ पे मसाला जो हमारा है बहुत अच्छे से भुन चुका है, तो वो पाउडर हम डाल देते हैं जो मसाला हमने बना करके घर पे रखा था। इससे सब्ज़ी में चांद चांद लग जाएंगे फ्रेंड्स। तो ये रेसिपी आप अगले वाले वीडियो में जाके देख सकते हो, चने का जो मसाला हमने बना करके रखा था घर पे वही है। करेले वाले वीडियो में हमने डाला है जो हमने अगला करेला वीडियो डाला है। तो इससे सब्ज़ी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो इन सभी चीज़ों को अच्छे से हम भुनने देंगे। तो आप देख सकते हो जो ऑयल है हमारा कढ़ाई में बाहर आ चुका है, अच्छे से मसाले पक चुके हैं। तो इनमें डाल देंगे हम 4 से 5 आलू। आलू हमारे छोटे टुकड़े के हैं, छोटे छोटे हैं इसलिए आलू को हमने कट नहीं किया। अगर आपके पास बड़े बड़े आलू हैं तो आप आलू कट करके डालें। तो इन्हें अच्छे से मसाले में कर देंगे मिक्स। फ्रेंड्स यहाँ पे डाल देंगे हम स्वाद अनुसार नमक, क्योंकि नमक का इस्तेमाल हमने नहीं किया था अभी तक। तो नमक आप ध्यान से डालें, क्योंकि आपने पहले भी नमक डाला था हमने करेले में। तो इसे ढक करके हम 2 से 3 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तो यहाँ पे 2 से 3 मिनट हो चुका है फ्रेंड्स, इसे हम चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो सब्ज़ी हमारी कितनी परफेक्ट लग रही है, पक रही है आराम से, ऑयल जितने भी हैं अच्छे से बाहर आ चुके हैं। तो इन्हें अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। तो यहाँ पे हम एक जो हमारा चाउमीन वाला चम्मच होता है वो लेंगे और इसे चेक करेंगे कि आलू हमारे पके हैं या नहीं। तो आप देख सकते हो आलू हमारे 70% तक कुक हो चुके हैं। तो इनमें अब हम करेला ऐड कर देंगे जो हमने फ्राई करके रखा था। तो यहाँ पे सभी करेले को हम डाल देंगे कढ़ाई में। आपने ऐसी रेसिपी फ्रेंड्स अभी तक देखी भी नहीं होगी, बहुत ही टेस्टी एंड कमाल की रेसिपी बन के तैयार होती है। अगर आप किसी को सर्व करेंगे तो आपकी तारीफ़ करते नहीं थकेंगे, वो उंगलियाँ चट कर जाएंगे। तो आप देख सकते हो हमने सभी करेले को अच्छे से मिक्स कर दिया है। तो यहाँ पे डाल देंगे हम थोड़ा सा पानी, क्योंकि करेला हमें ग्रेवी वाला, थोड़ा सा ग्रेवी वाला बनाना है। तो इसमें हमने डाल दिया है 1/2 कटोरी पानी। आप चाहें तो कफ से नाप के भी डाल सकते हैं, जैसी आपको ग्रेवी खानी हो इतना आप डाल सकते हो, क्योंकि आलू हमारे हाफ कुक हो चुके हैं तो इनमें ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है। तो इसी तरह से थोड़ा सा पानी डाल करके इसको हम ढक करके छोड़ देंगे 5 मिनट के लिए फ्रेंड्स। इसे हम ढक करके छोड़ देंगे। तो 5 मिनट बाद वापस से हम इसे चेक कर लेते हैं। 5 मिनट हो चुका है, सब्ज़ी हमारी बिल्कुल परफेक्ट बन के तैयार है फ्रेंड्स। आप देख सकते हो बहुत ही लजीज एंड डिलीशियस बन के तैयार हुई है सब्ज़ी। तो आप देख सकते हो आलू जो हमारे अच्छे से कुक हो चुके हैं। वापस से इन्हें हम चेक कर लेते हैं आलूओं को, तो कोई यकीन नहीं करेगा फ्रेंड्स कि हमने ये करेले के छिलके की रेसिपी बनाई है। किसी को यकीन ही नहीं होगा, इतनी बढ़िया इतनी परफेक्ट रेसिपी है। तो यहाँ पर जो हमारे आलू हैं बढ़िया से कुक हो चुके हैं, आप देख सकते हो हमने चेक कर लिया है, परफेक्ट रेसिपी। तो अब यहाँ पे हम गैस को करते हैं ऑफ, क्योंकि सब्ज़ी हमारी बन करके तैयार हो चुकी है।
चिकन मटन भी खाना भूल जाएंगे फ्रेंड्स जब इस तरह की करेले की रेसिपी बनाएंगे। तो यहाँ पे हमने थोड़ा सा हरा धनिया का डाल दिया बारीक कटा हुआ। चलते हैं फटाफट से इसे हम सर्व करके दिखाते हैं आपको सर्विंग बाउल में। तो यहाँ पे हमने एक कटोरी ले लिया है बड़ा सा, उसमें सर्व करके दिखाते हैं। आप आलू दम की भी तारीफ़ कर सकते हो इस सब्ज़ी में, जो भी आपको बोलना आप बोल सकते हो, पर करेले की परफेक्ट रेसिपी बनी है, बहुत ही लजीज लग रही है देखने में। तो यहाँ पे हमने सभी सब्जियों को सर्व कर लिया, थोड़ा सा ऊपर से डाल देंगे हरा धनिया। तो इसकी ग्रेवी आप देख सकते हो फ्रेंड्स कितनी बढ़िया लग रही है। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी फ्रेंड्स हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलें, ताकि हमारे वीडियो की सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। चैनल को सब्सक्राइब करें, आपको हम पास से भी दिखा देते हैं। ओके फ्रेंड्स बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। आज के लिए इतना।